राधे राधे फ्रेंड्स, श्री हरिदास, हरे कृष्णा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी के श्रृंगार दर्शन करा रहा हूँ। तो राधा अष्टमी की सेवा, पूजा, भोग आरती, राधा रानी का अभिषेक वगैरह सब कुछ हो चुका है। और अभिषेक का मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला, क्योंकि वो मैंने 9:16 के रेशियो में शूट किया था, इसीलिए मैंने इस वीडियो में उसे पेस्ट नहीं किया। बाकी मैं एक बार शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ पर भी देख लीजिएगा। हमने प्रातःकाल 4 बजे राधा रानी का अभिषेक किया था, उनका जन्म किया था। और अभी श्रृंगार वगैरह हो चुका है, मंदिर की पूरी पूजा भी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको श्रृंगार दर्शन करा देता हूँ। और ये प्रातःकालीन सुबह का भोग है, इसके बाद में दोपहर के समय जब भोजन बनेगा उसका भी हम भोग लगाएंगे। अगर हो पाए तो मैं इसी वीडियो में क्लिप ऐड कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगा, दूसरे किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगा। सभी का श्रृंगार ब्लू कलर में हुआ है, राधा रानी का फेवरेट कलर। तो लास्ट ईयर मैंने डार्क ब्लू में किया था, इसीलिए इस बार मैंने स्काई ब्लू कलर में किया है, क्योंकि डार्क ब्लू कलर का कपड़ा मुझे मिला भी नहीं था। तो ये स्काई ब्लू कलर है, हो सकता है आपको डार्क ब्लू लग रहा हो। और बाकी ये अखंड दीपक मैंने जला दिया है, अब ये दिन भर जलेगा। ये सुबह 4 बजे से जल रहा है और अभी 7 बज रहे हैं, और ये रात तक जलेगा। और राधा रानी का जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी वीडियो में, ये उसी वाली ड्रेस में मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया है, और ठाकुर जी का भी। और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ सबका। बाकी शॉर्ट्स वगैरह और रील्स मैंने अपलोड कर दी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ब्लू कलर की ड्रेस के साथ में मैंने ब्लू कलर की ड्रेस के साथ में मैंने लाइट ब्लू कलर की ज्वेलरी कंट्रास्ट में रखी है। वैसे मैंने ब्लू बनवाई थी, लेकिन ब्लू की जगह मैंने पिंक पहना दी है, क्योंकि ब्लू में ब्लू इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। और बहुत ही सुंदर भी लग रही है। और गुलाबी रंग के फूल भी मैंने लगाए हैं, गुलाबी और रेड कलर के, तो वो भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और ये कपड़े में सिल्वर कलर के लेस लगाई है, क्योंकि ये स्काई ब्लू कलर का कपड़ा था। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है हमारी राधा रानी का। और राधा रानी के साइड में ही गणेश जी का भी बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। और ये हमारे पीतल वाले गणेश जी हैं, यहाँ पे भगवान शिव की पूजा हो चुकी है। और ये देखिए, ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए, वहाँ के श्रृंगार दर्शन है सभी के। और साफ़ सफाई मैंने 1-2 दिन पहले ही करा दी थी, अब मैं आपको ऊपर के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे ये देखिए, ये कुछ डेकोरेशन मंदिर की देख लीजिए, सफाई के बाद डेकोरेशन करा दी थी थोड़ी सी मैंने, ज़्यादा नहीं करी थी, क्योंकि अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उनके लिए फिर से सफाई करनी है, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं कराई थी, थोड़ी सी कराई थी। और अब मैं आपको ऊपर दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले आप हमारी राधा रानी के दर्शन करिए। तो श्री जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ है, और थोड़ा सा लाइट श्रृंगार किया क्योंकि हमारे यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इसके पहले मैंने आपने श्रृंगार देखा तो बहुत हैवी सा श्रृंगार हुआ था, इस बार मैंने लाइट श्रृंगार किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं पहनाया है। और बाकी लेकिन हमारी श्री जी लग बहुत अच्छी रही हैं। और इस बार श्री जी के आप मांग टीका भी श्री जी ने पहना है, तो उसके भी दर्शन कर लीजिए। और ये भी गुलाबी कलर का है, लेकिन अभी ये आप काला काला दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं आपको अपनी माता रानी के दर्शन कराता हूँ। तो माता रानी का भी श्रृंगार उसी जो मैंने आपको पोशाक दिखाई थी, जो ज्वेलरी दिखाई थी, उसी में हुआ है, और बहुत ही सुंदर सा हुआ है। और इस बार माता रानी ने अपनी थोड़ी सी जगह चेंज कर ली है, इसीलिए श्रृंगार भी और अच्छा लग रहा है। तो देख लीजिए ये हमारी माता रानी का श्रृंगार दर्शन, स्काई ब्लू कलर की पोशाक है, बस ऊपर लेस थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ऊपर चौड़ी लेस लग जाती है कपड़ों में, नीचे नहीं लगाते बनता है, क्योंकि फिर वो पहनाने में नहीं आता है अच्छे से, क्योंकि नीचे जो हमारे भगवान जी हैं वो छोटे हैं और ऊपर बड़े हैं। इतनी चौड़ी लेस ऊपर अगर हम नीचे अगर हम भगवान जी को राधा कृष्ण या लक्ष्मी गणेश जी की पोशाक में लगवा देंगे तो फिर उन्हें पहनाते नहीं बनता। ये हमारे गणेश जी हैं, यहाँ पर अखंड दीपक रखा हुआ है जो कि जल रहा है। ये हमारी कालका माँ के दर्शन है, इनका भी बहुत ही सिंपल सा श्रृंगार लाइट सा मैंने किया है, क्योंकि इसके पहले वाला श्रृंगार काफ़ी हैवी था। तो सभी और यहाँ पे भी सभी की ज्वेलरी लाइट पिंक कलर की है सेम। और ये कुछ श्रृंगार दर्शन और डेकोरेशन है, और अभी गणेश जी भी हैं इसलिए थोड़ा यहाँ पे डेकोरेशन ज़्यादा है। और ये मंदिर का सबसे टॉप फ्लोर है, जहाँ पर साल भर वाली मूर्तियाँ और तस्वीरें हैं। तो ये आप पूरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। थैंक यू।